कई बार होता है कि हमें एक्स्ट्रा कई बार सैलेड डालना है या कर्ड डालना है या कुछ भी फ्रूट एक्स्ट्रा डालना है. सो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस लंच बॉक्स. बट अब मैं आपको माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस लंच बॉक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, विच इज वेलकम बैक टू माई चैनल. तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ किड्स लंच बॉक्स का एक रिव्यू करूंगी. ये लंच बॉक्स है फूड एडिक्ट ब्रांड का और इसका नेम है ब्राइट एंड ब्यूटीफुल टोक्यो बुफे लंच बॉक्स स्टेनलेस स्टील. तो ये लंच बॉक्स मैंने अमेजोन से बाय किया है और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 660 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वहां से आप क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं. तो इस तरह की आउटर पैकेजिंग में आता है, एज यू नो अमेजोन की ये आउटर पैकेजिंग होती है, और ये इस तरह के कार्टन बॉक्स में आता है. तो दिस इज द लंच बॉक्स. तो इसको मैंने एक्चुअली एक बार ओपन कर लिया था. एक्चुअली इसके ऊपर ये प्लास्टिक की सील्ड पैकेजिंग होती है, तो इस पैकेजिंग को रिमूव करने के बाद ये एक्चुअल जो लंच बॉक्स है वो ये है. ये बहुत ही अट्रैक्टिव सा लंच बॉक्स है, ये ब्लू कलर में मैंने मंगाया है. इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप चाहे तो किसी भी कलर में से मंगा सकते हैं. तो इस तरह से ये इसके 6 लॉक्स हैं. इसका लिड प्लास्टिक का है बट ऑफ गुड क्वालिटी. तो स्टेनलेस स्टील का ये लंच बॉक्स है. तो इसके अंदर 4 कंपार्टमेंट्स हैं. तो स्पेशली मुझे ना इस पर ही 4 कंपार्टमेंट्स या मोर देन 2 कंपार्टमेंट्स वाला ही चाहिए था, क्योंकि जनरली टिफिन पे 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं. कई बार होता है कि हमें एक्स्ट्रा कई बार सैलेड डालना है या कर्ड डालना है या कुछ भी फ्रूट एक्स्ट्रा डालना है, तो उसके लिए ना अलग से बॉक्सेस मुझे पैक करके देना पड़ता था. ये बहुत ही मुझे कन्वीनियंट ऑप्शन लगा कि 4-in-1 कंपार्टमेंट्स हैं. तो इसमें आप फ्रूट या फिर वेजिटेबल सैलेड्स या फिर कुछ आप अगर स्वीट्स रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, कर्ड रख सकते हैं, वेजिटेबल्स जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं. तो 4-in-1 हो जाता है ना, तो बहुत कन्वीनियंट और इजी टू यूज हो जाता है बच्चों के लिए भी. अलग अलग लंच बॉक्स नहीं खोलने पड़ते, तो एक ही लंच बॉक्स में इट्स ऑल इन वन. सो दिस इज मुझे चीज बहुत अच्छी लगी कि इसमें अलग से कटोरी दे रखी है, स्टेनलेस स्टील कटोरी है पर, और ये एयर टाइट सील्ड है. तो इसके अंदर आप कुछ भी ग्रेवी वाली चीज रख सकते हैं या फिर कर्ड रख सकते हैं, उसके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है. इस लिड के एजेस में भी आप देख सकते हैं रबर की सील्ड पैकेजिंग है, तो ये इस लंच बॉक्स को एक एयर टाइट सील प्रोवाइड करता है. अब मैं आपको माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस लंच बॉक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, विच इज दिस थिंग. आई नो कि बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी हो सकता है लंच बॉक्स ऑलरेडी हो, बट मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज थी और मुझे ये चीज बहुत टाइम से चाहिए थी कि ऐसा लंच बॉक्स जिसके अंदर कटलरी डालने का भी स्पेस हो. अदरवाइज क्या होता है कि अगर आपको लंच बॉक्स में राइस डालने हैं ना, तो राइस के अंदर अगर आप कटलरी स्पून डालते हैं तो वो पूरा स्पून जो है ऑयली हो जाता है राइस से, तो वो बच्चों के लिए भी इजी नहीं होता उसमें से खाना खाना. तो मुझे एक ऐसा ही लंच बॉक्स चाहिए था जिसके अंदर ही कटलरी डालने का भी एक ऑप्शन हो, और ये बहुत ही अच्छा है. इन्होंने साथ में ही ये कटलरी दी है, एक फॉक है और एक स्पून है. ये स्टेनलेस स्टील के ही है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, ये बहुत ही स्टर्डी स्टेनलेस स्टील है. एंड 2 चॉपस्टिक्स भी इसमें प्रोवाइड की गई है फ्रेंड्स. आई नो कि चॉपस्टिक्स तो आई डोंट नो कि बच्चे अभी यूज करेंगे या नहीं, लेकिन स्पून एंड फॉक डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा नीडी थिंग्स हैं. तो इस तरह से ना इन्होंने ये ग्रूव दे रखा है बीच में, आई होप यू कैन सी, ग्रूव दे रखा है. तो इसमें इस तरह से कटलरी दोनों आ जाती है, चॉपस्टिक्स भी डालना चाहे तो वो भी आ जाएंगी, और उसके ऊपर आराम से ये अपना 4 कंपार्टमेंट वाला स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स पैक हो जाता है. अंदर ये कटोरी फिट हो जाती है और उसके ऊपर ये आपका लिड विथ 6 लॉक्स. और इसके ऊपर ना फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा एयर निकालने के लिए ना रबर का स्टॉपर दिया गया है. ये देखिए मैं आपको साइड से दिखाती हूँ. जैसे मान लीजिए अगर आपने कुछ भी इसमें गर्म चीज डाली है तो उसकी जो स्टीम अंदर रह जाती है ना, तो उसको निकालने के लिए आपको जस्ट हल्का सा ऐसे ऊपर पुश कर देना है और ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और इसके अंदर की जो स्पेस है ना, जो थोड़े से होल्स हैं वहां से स्टीम निकल जाती है. और जैसे ही आपको लगी कि स्टीम निकल गई है, उसके बाद आप इसे वापस से इस तरह से पुश कर दीजिए और ये बिल्कुल एयरटाइट सील हो जाता है. तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी. तो फर्स्ट थिंग मुझे इसकी जो अच्छी लगी वो तो है कि कटलरी रखने का एक बहुत ही अच्छा इन्होंने स्पेस दे रखा है. दूसरी चीज है कि इसमें कटोरी अलग से दी हुई है विच इज एयर टाइट. एंड थर्ड थिंग इज कि इन्होंने ये स्टीम निकालने का एक स्टॉपर भी दे रखा है.
मैं आपको बताती हूँ कि ये लंच बॉक्स लीक प्रूफ है या नहीं। वैसे तो ये कंपार्टमेंट भी, जो कटोरी है, दिस इज लीक प्रूफ। इसमें से कोई भी ग्रेवी वाली चीज कोई भी बाहर नहीं निकलेगी। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखो, मैं थोड़ा सा पानी आपको डाल के दिखाती हूँ। बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स दिस इज द लीक प्रूफ कटोरी। तो ये बाउल जो है ये बिल्कुल लीक प्रूफ है, दिस इज रियली गुड। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या ये लंच बॉक्स के जो कंपार्टमेंट्स है ये लीक प्रूफ है या नहीं। इसमें भी मैं आपको एक कंपार्टमेंट में पानी डालूंगी और इसे बंद कर देंगे। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में पानी तो इजीली पास हो रहा है। दैट मींस कि कंपार्टमेंट के अंदर कोई भी एयर टाइट सील नहीं है। तो एक कंपार्टमेंट में अगर आप ग्रेवी वाली कोई चीज़ डालते हैं तो वो दूसरे कंपार्टमेंट में डेफिनेटली जाएगी ही जाएगी। सो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस लंच बॉक्स। बट द थिंग इज कि आपके जो साइड्स में जो सीलिंग है, जो आपके साइड्स में जो इस लंच बॉक्स की सीलिंग है, वो बहुत ही अच्छा एयर टाइट सील है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस लंच बॉक्स के बाहर कुछ नहीं गिर रहा है। जो भी इंटरचेंज हो रहा है लिक्विड का वो अंदर ही हो रहा है, बट इसके बाहर कुछ नहीं गिर रहा है। दैट मीन्स कि जो बच्चों के जो बैग हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, उसमें कुछ भी ऐसा सामान नहीं गिरेगा लंच बॉक्स से। लेकिन इसके कंपार्टमेंट्स के अंदर से आपका जो लिक्विड पोर्शन है वो जरूर स्पेल आउट होगा इन बिटवीन द कंपार्टमेंट्स ओनली। तो इसके लिए आपकी बेस्ट थिंग यही रहेगा कि आप इसमें सिर्फ ड्राई चीजें ही रखें और ग्रेवी की चीजों के लिए ये जो बाउल दिया है इन्होंने, एयर टाइट लिड जो है, दिस इज द बेस्ट फॉर ग्रेवी थिंग्स और कर्ड अगर आपको डालना है। इसमें आप सिर्फ रोटी परांठा या फिर सैलेड्स, फ्रूट्स और राइस, इस तरह की चीजें इसमें डाल सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज सफिशियंट। फ्रूट या फिर सैलेड या फिर कोई भी स्वीट्स अगर मुझे डालना है तो ड्राई चीजों के लिए ही मुझे बेसिकली ये चाहिए था। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का लंच बॉक्स अपने बच्चों के लिए लेना, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहां से जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।